नाउ नेक्स्ट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम करने जा रहे हैं और वो है वांडरवाल बॉन्ड्स। तो शुरुआत करते हैं वांडरवाल बॉन्ड थ्योरी से। लिख लीजिए जल्दी से, वांडर वॉल बॉन्ड्स। एक्चुअल में वांडरवाल ने ये कहा, क्या कहा, कि जहां कोई बॉन्ड नहीं होता वहां तो मैं तो रहूंगा। मतलब आसान भाषा में ये था कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन जैसी गैसेस जहां कोई बॉन्ड नहीं दिखाई देता, कोवलेंट, मेटेलिक, आयनिक, वहां पर भी वांडरवाल बॉन्ड दिखाई देता है, लेकिन जहां दूसरे बॉन्ड दिखाई देते हैं वहां ये इतना वीक होता है कि दिखाई नहीं देता। तो इसकी मौजूदगी कब पता चलती है? जब कोई और बॉन्ड ना हो, सबसे पहली बात। तो चलिए वांडरवाल बॉन्ड के बारे में क्या बोला जा सकता है, कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट, दे आर वेरी वीक बॉन्ड, दे आर वेरी वीक बॉन्ड, वेरी वीक बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट, जब वीक है इजीली जनरेट, इजीली फॉर्म और एंड इजीली डिसोशिएट। थोड़ा सा गर्म करेंगे डिसोशिएट भी हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो हम किसी और बॉन्ड से नहीं समझा पाते थे, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, क्या कहते हैं, लिक्विड, यानी कि हम बोल सकते हैं कन्वर्ट इन लिक्विड फॉर्म ऑफ हीलियम, नियॉन लाइक गैसेस। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम इससे समझा सकते हैं बाय दिस बॉन्ड। वी कैन एक्सप्लेन मेनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ये सारे पॉइंट्स थे, लेकिन अभी भी हमें वांडरवाल बॉन्ड के बारे में बहुत ज्यादा नहीं मालूम था। और एक और हमारे पास हो सकता था मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बहुत प्यारे हम बता सकते थे बाय दिस बॉन्ड। वी कैन एक्सप्लेन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसेस। अगर कोई गैसेस मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं स्ट्रांग, तभी तो गैस थी। लेकिन उनके बीच में जो बॉन्ड होगा, उनकी जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं, वो भी लिक्विफाइड हो सकती है, वो हम यहाँ बहुत आसानी से समझा सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट आ रहा है और वो है यहां पर लिखिए क्या पॉइंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ वांडरवाल बॉन्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ वांडरवाल बॉन्ड, वांडरवाल बॉन्ड। देखिए सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे लिए आयन डायपोल अट्रैक्शन, आयन डायपोल अट्रैक्शन। आयन डायपोल अट्रैक्शन क्या है पहले समझ लीजिए। आयन क्या होता है? आयन होता है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, Na प्लस, Li प्लस, ये सब आयन है। और डायपोल क्या होता है? डायपोल हमारे लिए क्या होगा, जैसे HCl है तो यहां पार्शियल चार्ज होगा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, या H2O है, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, दो प्लस डेल्टा है तो दो माइनस डेल्टा हो जाएंगे, ये डायपोल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायपोल और आयन में क्या है, आयन पे कंप्लीट चार्ज दिख रहा है माइनस या प्लस, यहां क्या दिख रहा है, पार्शियल चार्ज दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो होगा उसे क्या बोलेंगे हम, आयन डायपोल अट्रैक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन आयन एंड डायपोल इज कॉल्ड आयन डायपोल
आयन डायपोल वांडरवाल बॉन्ड। ये आयन आयन अट्रैक्शन से तो काफी वीक होगा, समझ में आ रहा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। ये तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट हो गया, यानी ए पॉइंट हो गया। इसी के लिए बी पॉइंट क्या है? बाय दिस कंसेप्ट वी कैन शो या रिप्रेजेंट या एक्सप्लेन, वी कैन एक्सप्लेन व्हाट, वी कैन एक्सप्लेन, वी कैन एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट। आयनिक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी आप इसी कंसेप्ट से बता सकते हो। जैसे देखिए, ध्यान से ऐसा नहीं समझिएगा, जैसे मेरे पास NaCl है, NaCl में प्लस माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, या स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है। आयनिक को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, समझ में आया। आपने इसमें पानी डाल दिया H2O, तो जब पानी डाल दिया जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि Na प्लस को पूरी तरह से H2O ने घेर लिया। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये एक तरह से ये जो बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच में, ये आपके लिए क्या है? आयन डायपोल अट्रैक्शन, और इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी। जबकि दूसरी तरफ सीएल को भी घेरेगा कौन? हाइड्रोजन वाला पार्ट। तो इस तरह से सीएल को हाइड्रोजन वाले पार्ट ने घेर लिया। आप इसको क्या बोलोगे? Na प्लस एक्वास। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, Na प्लस गैस और Na प्लस एक्वास में साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि हाइड्रेटेड होने के बाद उसमें बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं, वैसे ही जैसे एक मैग्नेट के साथ बहुत सारे आल्पिन चिपक जाते हैं। तो बस जैसे ही पानी में डालेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और हाइड्रेटेड होने की वजह से इसकी साइज बड़ी हो जाएगी और बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज करेगा ये। तो वो एनर्जी रिलीज जो करेगा वो इस आयन स्ट्रॉन्ग आयन बॉन्ड को तोड़ने में काम आएगी। ये क्वांटिटी में एक है, जबकि इसकी क्वांटिटी हजारों में होती है, तो हजार मिलके तो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, समझ में आ रही है बात। तो ये हमारे लिए आयन डायपोल अट्रैक्शन है। लिब्रेशन क्यों नहीं होगा? इन दोनों के बीच में क्या है? माइनस डेल्टा और प्लस के बीच में क्या चार्ज है? क्या मतलब वो रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, एनर्जी लिबरेट होगी होगी, समझ में आ रही है बात। तो थोड़ी यहां होगी, थोड़ी यहां, थोड़ी यहां, थोड़ी यहां, ऐसे करके हजारों मॉलिक्यूल इसको थ्री डायमेंशन में घेरे हुए हैं, बहुत अच्छे कांसी क्वांटिटी में होगी। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास हो गए आयन डायपोल अट्रैक्शन से। आयन डायपोल अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा आयनिक सॉल्ट उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा रिजल्ट। मोर स्ट्रॉन्ग आयन डायपोल अट्रैक्शन शो मोर सॉल्युबिलिटी। ऑफ सॉल्ट, ये इसका रिजल्ट बन जाएगा। दूसरा कौन सा होगा हमारा? सेकेंड नाम डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, हेडिंग डलेगा हमारा डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है क्या, समझ लीजिएगा। मैंने कोई सा भी लिया HCl, HCl यहां प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है एक तरह से? आयन डायपोल अट्रैक्शन। इसको मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन जो है
ये क्या है, बड़ा साइज का है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी एनर्जी लिबरेट नहीं करेगा, समझ में आ रहा है? तो ये हमारे लिए डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, और डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ही कहलाएगा। ऐसे तो बहुत सारों में हम डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बोलेंगे, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोल सकते वहां डायपोल डायपोल तो बोल ही सकते हैं। तो आप इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? ए, इट इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, या शॉर्ट फॉर्म में अट्रैक्शन फोर्स ही लिख लीजिए, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू डायपोल, बिटवीन टू डायपोल। तो ये तो पहला पॉइंट हुआ, दो डायपोल के बीच में हो जाएगा, आराम से समझा सकते हैं। दूसरा, इससे क्या होगा, इससे किस तरह की प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो? ड्यू टू दिस बॉन्ड वी कैन शो द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर गैस और मॉलिक्यूल इन वाटर। हम कई बार नहीं बोलते डिजोल्व लाइक डिजोल्व, एक पोलर कंपाउंड में डिजोल्व हो जाएगा, सिंपल सा है, ड्यू टू दिस बॉन्ड डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? तो यही कारण है कि H2 में वही मॉलिक्यूल डिजोल्व हो सकते हैं जिनके पास खुद का डायपोल मोमेंट हो, वो नहीं होंगे जिनके पास खुद का डायपोल मोमेंट नहीं हो। ठीक है, तो कौन सी गैस ज्यादा डिजोल्व होगी, अमोनिया या CH4 इन वाटर? अमोनिया। तो इससे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसी पॉइंट से, क्योंकि अमोनिया पोलर है और CH4 नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर होने की वजह से नॉन डायपोल मोमेंट है, डायपोल ही नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है ना, इतना ज्यादा नहीं है, मॉलिक्यूल में पोलरिटी होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? तो कोई ज्यादा खास ऐसा नहीं है, बिल्कुल अमोनिया में है, तो बिल्कुल आप बोल सकते हो वो तो। लेकिन अमोनिया के लिए तो अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अच्छे से बोल सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना लेता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो आप आराम से बोल सकते हो इस जगह कि पोलर गैसेस पोलर कंपाउंड्स इजीली डिजोल्व इन वाटर ड्यू टू डायपोल डायपोल अट्रैक्शन या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो अपने आप में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ही है, बस वो है कि वो ज्यादा स्ट्रांग कहला जाता है। कोई डाउट नहीं है, श्योर? तो अगला हमारे पास डायपोल डायपोल अट्रैक्शन के बाद थर्ड नंबर का कौन सा होगा? डायपोल नहीं, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, थर्ड नंबर का आयन इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। या कैसे समझेंगे, डायपोल का मतलब तो समझ में आ गया, इंड्यूस का मतलब क्या है? इंड्यूस का मतलब पहले डायपोल नहीं था लेकिन किसी को देख के डायपोल क्रिएट होना। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मेरे पास है एफ माइनस और एक है मेरे पास F2, समझ में आ रहा है? इस पर अभी क्या चार्जेस है? जीरो। लेकिन जैसे ही इसके पास जाएगा इसके ऊपर प्लस डेल्टा और ये माइनस डेल्टा, तो ये क्या कहलाएगा? इंड्यूस डायपोल कहलाएगा, समझ में आ रहा है? तो हमारे लिए आयन इंड्यूस डायपोल इस तरह से बनता है। तो क्या आप समझ रहे हैं इंड्यूस का मतलब क्या है? जो है नहीं लेकिन सामने एफ माइनस देख के डायपोल क्रिएट हो रहा है। जैसे भूख नहीं लग रही है मुझे खाने की, तो मैं बोलूंगा इस समय बिल्कुल भूख नहीं है, लेकिन सामने पानी पताशे दिखते हैं या चार टिकिया दिख जाती है तो भूख लगती है, तो उस भूख को, उस हैंगरी को हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस हैंगरी, देखकर डेवलप होना, ऐसे नहीं था। तो हमारे पास ये हमारे पास इंड्यूस डायपोल है, और इंड्यूस डायपोल से भी हमारे पास बहुत हो सकता है। यहां आयन की जगह हमारे पास क्या हो सकता है? हम आराम से बोल सकते हैं डायपोल इंड्यूस डायपोल भी बोल सकते हैं। तो यहां हमारे पास अगर जैसे कोई है HF और एक F2, तो प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा,
ये क्या कहलाएगा? इंड्यूस डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन, ये भी इसके जैसा ही है, डायपोल इंड्यूस डायपोल। एक कंपाउंड पोलर है, ये नॉन पोलर था लेकिन फिर भी इसमें पोलरिटी आ गई, तो ये आपके पास इंड्यूस डायपोल है, ये वाटर है समझना, और ये O2 गैस है। जैसे यहां माइनस डेल्टा, यहां अपने आप प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा आ जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ये अट्रैक्शन क्या कहलाएगा? वही डायपोल इंड्यूस डायपोल। तो इसके बारे में आप कोई दो पॉइंट बताइए। पहला, इट इज ए वेरी वीक बॉन्ड, क्योंकि बहुत पास आने के बाद ये बनेगा, इट इज वेरी वीक बॉन्ड, एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, क्योंकि पास आना जरूरी है और पास आने के लिए प्रेशर हाई होना चाहिए, पक्का। दूसरा पॉइंट आप क्या बोलोगे? भाई O2 पानी में डिजोल्व है और होती भी है, आप जानते हैं फिश जो होती है वो इसी डिजोल्व ऑक्सीजन के सहारे जिंदा रहती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इस क्या बोलेंगे इस जगह कि O2 की जो सॉल्युबिलिटी है पानी में वो इसी की वजह से, द सॉल्युबिलिटी ऑफ, लिख लीजिए द सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वॉटर इज ड्यू टू डायपोल इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन। इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन, समझ में आ रहा है? तो N2O2 ये सब हमारे लिए इंड्यूस डायपोल की वजह से हो रही है, जबकि H2S वाटर में डिजोल्व है, क्यों? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। अल्कोहल पानी में डिजोल्व है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बोल दो, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेस्ट आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वहां स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड को आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक दो पॉइंट हो गए। एसिडिक एसिड पानी में डिजोल्व है, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ का समझ में आया? फोर्थ एक और है, इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन, इंड्यूस्ड इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन। अट्रैक्शन इसको बोलते हैं लंदन फोर्स, लंदन फोर्सेस, समझ में आ रहा है? कुछ गैसेस ऐसी थी जैसे H2O2 N2, भाई ये लिक्विफाइड क्यों हो रही थी? ड्यू टू इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन। यानी अगर आप O2 गैस है, क्या डायपोल मोमेंट है? जीरो है, अभी नॉन पोलर है, लेकिन जब एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आएगी तो प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ शिफ्ट हो रहा है एक ऑक्सीजन की तरफ, तो अपने आप चार्ज इस तरह से हो जाएगा। या H2 है, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा और उस अट्रैक्शन फोर्स को आप क्या बोलोगे? इंड्यूस डायपोल। इवन ये हीलियम में भी मिलता है, हीलियम के अंदर ये न्यूक्लियस इस तरह होता है, तो न्यूक्लियस इस तरफ पहुंच जाता है, यानी शिफ्टिंग ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है, बीच में नहीं रहता, तो इस तरफ क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस डेल्टा इधर आ जाएगा, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, ये हीलियम का न्यूक्लियस है, मैंने हीलियम ही लिख देता हूं, पक्का। तो ये एक तरह से अट्रैक्शन हो गया, हीलियम हीलियम, इन सब बॉन्ड को क्या बोलोगे आप?
इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल या लंदन फोर्स? सबसे वीक होंगे ये, इट इज द वीकेस्ट बॉन्ड, फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए वेरी वीक बॉन्ड, वेरी वीक बॉन्ड। दूसरा, बाय दिस बॉन्ड वी कैन एक्सप्लेन लिक्विफिकेशन ऑफ एच टू ओ टू एन टू हीलियम नियोन गैसेस। सही है, ये सारे इसके बेनिफिट होंगे। नहीं, लंदन फोर्सेस न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में नहीं है। ये समझ लीजिए कि ये जो एटम है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है तो एटम के बीच में ही। और कोई डाउट? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में भी है, ये मॉलिक्यूल हो गया एक तरह से, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, तो एक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में भी है। अच्छे से, तो ये आपने वांडरवाल फोर्स कर लिए, लिखे इनको। हम बात कर रहे हैं एनर्जीज की, और कब? जब हमारे पास वांडरवाल फोर्सेस हैं, सिवाय ये छोड़कर। ये एक आयनिक बॉन्ड है, बाकी सारे वांडरवाल केसेस हैं। तो आयनिक बॉन्ड में आपने अच्छे से पढ़ा है कि अट्रैक्शन कैसे लगेगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, आर स्क्वायर फोर्स के केस में, हम एनर्जी की बातें कर रहे हैं। तो अगर आज आप एग्जाम्पल ले रहे हो जैसे एन ए प्लस और सी एल माइनस में, तो यहां जो एनर्जी होगी वो आपके लिए आर के साथ इन्वर्सली होगी। जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा आपके लिए एनर्जी क्या होती है, कम। ये तो रहा आयनिक बॉन्ड के लिए। बाकी सारे कौन से केसेस हैं? कौन से केसेस हैं? वांडरवाल। अब हमारे पास एक आयन है और एक डायपोल है, यानी आयन डायपोल है यानी एन ए है, और कुछ भी डायपोल मान लीजिए, ये ओ एच एच, ये हमारे पास है। तो हमारे पास जो एनर्जी है वो इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमने आर के साथ रिप्रेजेंट कर रही है। आर मतलब ये प्लस माइनस दोनों मिला के डिस्टेंस आ गया, तो वो डिस्टेंस के साथ आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही डायपोल है, दोनों ही डायपोल है जैसे एच सी एल और एच सी एल, तो यहां पर माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, तो यहां जो एनर्जी होगी वो आर क्यूब होगी। समझ में आ रहा है? एक डायपोल और एक डायपोल, तो रेडियस के साथ या डिस्टेंस के साथ ये फैक्टर प्रैक्टिकली मेजर किया जा रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, आ रहा है। क्योंकि उसका रीजन हमारे को नहीं समझना है, बस ये है कि हमारे लिए जितनी साइज ज्यादा होगी या डिस्टेंस ज्यादा होगी, डायपोल भी उसी रेंज में चेंज होगा और अट्रैक्शन भी उसी तरह से, यानी आर दो में इन्वॉल्व है, एक वो एनर्जी में और दूसरा वो डायपोल कितना तेजी से अट्रैक्ट हो रहा है। तो जितनी ज्यादा तेजी से डिस्टेंस बढ़ेगी तो डायपोल की क्वांटिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जबकि आयन में इंडिविजुअली आयन है उसका, उसे कोई मतलब नहीं है कि कितने बीच में डायरेक्शन हो, क्या डिस्टेंस चेंज होने पर इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं होगी ना, नहीं होगी। तो बस फर्क यही है, यहां इसके ऊपर चेंज होगा, हाँ इसके साथ चेंजेस होता है और यहां पर भी चेंजेस हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर इंड्यूस्ड है तो इंड्यूस में तो ये वेक्टर और ज्यादा हो जाएगा, और दोनों इंड्यूस्ड है जिसे आप लंदन फोर्स भी बोलते हो, तो ये पावर क्या चल जाएगी, आर पावर सिक्स। तो आपसे पूछा जा सकता है आयन इंड्यूस्ड डायपोल में एनर्जी और आर के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे वन बाय आर फोर प्रोपोर्शनेट में। आ रही है बात समझ में? ये टेबल लिख ली आपने, लिखे इसको जल्दी से।